and these are the beautiful, colorful, exotic birds. Cockatoos with hues of the rainbow. मैं कहूँ और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है पक्षी को, ऐसा लग रहा है कि बहुत जान पहचान है। अगर हम अपने घर में किसी पक्षी को रखते हैं तो एक दोस्ती सी हो जाती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आने पर भी बहुत सहज, सरल और एक बहुत ही मनमोहक दृश्य इस समय। दिस वन लुक्स लाइक अ शाय चाइल्ड हु नीड्स टू बी gently nudged towards a visitor, and once they make friends, then a conversation is definitely going to ensue. बड़ा दिलचस्प दृश्य है कि कुछ जो मेजबान हैं वो नए मेहमान का स्वागत कर रहे हैं और कुछ भोजन के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। पृष्ठभूमि में काफी बड़ी संख्या में जो निवासी हैं और अब मेजबान का बकायदा स्वागत किया जा रहा है उन्हें भोज्य पदार्थ देकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। बहुत ही आकर्षक दृश्य है, बहुत ही आल्सो कीप इन माइंड दैट यादगार दृश्य है। इज अ बर्ड दैट इज सो ब्यूटीफुल विद सच लवली ह्यूज, सो इट इज गोइंग टू शो अ बिट ऑफ द डीवा टेम्परमेंट। सो व्हाइल द अदर्स केम टू द प्राइम मिनिस्टर, दिस वन एक्सपेक्टेड टू बी नज्ड टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर। जो भी भोज्य पदार्थ दिया गया है उसका पूरी तरीके से सेवन किया जा रहा है इस पक्षी के द्वारा। अनोखा दृश्य है ये, और ये दृश्य अपने आप में इस बात को पूरी तरीके से साबित करता है कि जो प्राकृतिक वातावरण है जिसमें इन पक्षियों को रखने का प्रयास हुआ है वो पूरी तरीके से कामयाब है, पूरी तरीके से सफल है। और साथ ही जो भी यहाँ मेहमान आए, जो भी पर्यटक आएँ आगे आने वाले दिनों में, वो पूरी रिस्पेक्ट दें इन निवासियों को, जो कि इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अपना मूल निवास